जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है सब ठीक होंगे और रमज़ान के रोज़े भी ठीक जा रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से वीडियोस थोड़ा सा कम और लेट अपलोड कर रहे हैं। उसकी बेसिक वजह यही है कि ड्यू टू वेदर चेंज काफ़ी लोगों की तबीयत भी ख़राब हो रही है, और उसका बेसिक जो कह लें कि यही रीज़न है, क्योंकि गर्मी एकदम से आ गई है और उसकी वजह से काफ़ी लोगों को हीट स्ट्रोक्स हो रहे हैं और नमकियात की कमी। ये सारी रीजंस बनती हैं इसकी बेसिक वजह। रमज़ान की वजह से अक्सर लोग पानी का इंटेक भी कम करते हैं। खैर, तो आज के व्लॉग में हमने अफतारी का आपको डिटेल बताना है, क्योंकि मैंने अफतारी का अरेंजमेंट किया है और मेरे काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स जो हैं वो उसमें आएंगे। तो होपफुली आपको ए टू जी सॉरी जितने जितने लोग आएंगे और उन पे तफसील से हम तबसरा भी करेंगे और देखेंगे कि उनके साथ आज किस तरह का, इतने अरसे बाद मिलना है तो किस तरह का उनके साथ रिएक्शन होता है हमारा। होपफुली मिलते हैं फिर आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, और इंशाल्लाह ताला आप आज का व्लॉग पसंद करेंगे। व्लॉग को एंड तक देखिएगा और बस अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आप जी। तो हम जो है वो यहाँ पे अफ्तारी करवानी है, उस जगह पहुँच गए। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा बनाया हुआ। और जनाब चेक करें जी, माशाल्लाह वो रमज़ान की एक बबरकत, एक बरकत, रमज़ान की जो एक बरकत है वो कुछ इस तरह से है कि इस तरह के जो खाने हैं या इस तरह की जो कह लें कुछ लग्जरी आइटम्स आ जाती हैं, वो हम आम दिनों में रोज़ाना तो नहीं खा सकते। और जनाब देखें, बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बंदे जो है अभी अफ्तारी पे जब आएंगे सारे लड़के, उनका बारी बारी इंट्रोडक्शन भी लिया जाएगा और उनको खुश आमदीद भी किया जाएगा। लेकिन रोज़े की हालत में सब्र करना ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि आपका हर किस्म का जो है वो एक टेस्ट लिया जाता है, और उस टेस्ट में ये है कि आपको थोड़ी सी हर्डल्स होती हैं, हर चीज़ में हर्डल्स है, तो ये है कि आपको उसमें कामयाब होना है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब के जो रोज़े हमने रखे हैं उसको कबूल फरमाए, आमीन। तो अभी आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं जो जो आया हमारे पास, इसके बाद खाना भी है उसका भी आपको ओवरव्यू देंगे, तो तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा, शुक्रिया। तो रमज़ान की फजीलत कुछ इस तरह से है कि हम जनाब रोज़ हर किस्म की नेमत खाते हैं और हमारे पास मुख्तलिफ मुख्तलिफ नेमतें हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं जनाब। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, रोज़े की हालत में और 5 मिनट रह गए हैं बस इफ्तार को और अभी तक कोई भी नहीं आया। ये देखें सारी जगह खाली है। बस वो कहते हैं ना हमारी पाकिस्तानियों की एक मिथ बन गई हुई है कि यार जिथे बुलाया तो इकबाल का एक कॉल है उस पर बड़ा हमने अमल करना है। इकबाल हमेशा देर से आता है, और पता नहीं इकबाल साहब ने कहा हो या ना कहा हो, लेकिन जनाब हम लोगों ने जो है ना वो इस तरह की चीज़ों पर लाजमी अमल करना है। और बस देखें इनको टाइम दिया हुआ इफ्तारी का, अभी तक नहीं पहुँचे। कि कह रहा मैं आ रहा हूँ, कि कह रहा मैं निकल गया हूँ, कि कह रहा मैं आगे पहुँच गया हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए। खैर वेट करते हैं, हमारा तो काम है, मेज़बानों का काम होता है कि वेट करना। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने मेहमानों का वेट करेंगे, और मेहमान वैसे भी एक रहमत है। आप सब ने फरमाया कि जो शख्स मेहमान को एक अच्छी मेहमानदारी करेगा अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत करेगा। तो यही है कि इसी सोच से आपको इस तरह का अमल करना चाहिए। और वैसे भी इन इन चीज़ों से मोहब्बतें पैदा होती हैं, लोग मिलते जुलते हैं, अच्छी सोच
आपकी कह लें कि ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अच्छी महफिल भी एक बहुत बड़ी नेमत है, तो बस उसी का वेट करते हैं और वेट करते ही जा रहे हैं। चलें फिर मिलते हैं। 2,000 years later. 10वीं बात सुनना है उसका, कोशिश करेंगे 10वीं पेपर खत्म कर दे सारा। मुझे हर बंदा आया हुआ है सिवाय उसके, किसके? शॉप के वाले साहब, स्नान के वाले साहब। इसके लिए ठीक है जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी अफ्तारी हो गई है। अब ये ग्रुप में सेंड कर इतनी जाती बंदे के साथ नहीं होनी चाहिए यार। सब राणा साहब और जनाब लगे पड़े हैं व्लॉग देखने। ये देखें, ये और जनाब रोटी पानी शुरू। सबसे ज्यादा जो मंडरा है ना वो ये मुंडा, ये कह रहा था मैं पिछले 2 दिन से भूखा हूँ। अच्छा कितने आजकल इनके वाले साहब बहुत इनके खिलाफ हुए पड़े यार, ये कट कर देंगे। इसके अलावा ये है कि सब कुछ जब एडिट होगा तो ये कट कर देंगे। एक बंदा दान निकाल के खाता जा रहा है बस। मैंने कहा कौन किसे कहा है? अबू क्या कहते हैं? नहीं नहीं आर्मी की जगह वो कट कर दे, वो कट कर ठीक बस। आर्मी ने हमारे मुल्क ने बहुत कुछ किया है, सलाब सुल्तान की जितनी इमदाद इन आर्मी वालों ने किया ना किसी ने की, वो एक अलग बात है आवाम से लेती है लेकिन अच्छी जगह पे लगाते हैं। एक डाकू था वो क्या करता था, चोरियां दिकेटियां करता था लेकिन लगाता वो हलाल जगह पे गरीब मुस्तक लोगों पे लगाता था। आर्मी का अरे कहना क्या चाहते हो, यानी वो साफ नहीं है। नहीं वो देखें, आपको पता होगा कि जब 1972 की जो जंग हुई थी कैसे हमारे जवान के पसमंजा हो गए थे, तो नूर जहाँ के वो था एक पुत्र हटाते नहीं बिकते, वो टैंकों के आगे लेट गए थे। नहीं नहीं वो टैंकों के आगे लेट गए थे। जज्बा पैदा होता जज्बा कैसे, ए पुत्र हटाते नहीं बिकते तू लभदी फिरे बाजार कुड़े। आने दो आने दो, रोको ना आने दो जैन आपका अपना नहीं, एक दो तीन आप रह गए हो, आप रह गए हो, आने दो फेंक दो फेंक दो। गजब बेइज्जती है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बाहर से आए हो, मुझे आपसे ज्यादा तवक्का है। मैंने आपको अपना बुक तुमसे टकरवाना है भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। और ये राणा चाहत फतेह अली, हाँ अपना कॉन्सर्ट का माल और सबाब इकट्ठा करते हुए इसी के साथ अपने भाई को इजाजत दे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।